अस्सलामुअलैकुम, हमारे YouTube चैनल उमर इलेक्ट्रिक में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि पेडिस्टल फैन के मोटर को किस तरह से खोला जाता है और किस तरह से जो है उसको रिवाइंड किया जाता है और किस तरह से उसमें जो है पेपर डाले जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। ये पंखा है पेडिस्टल फैन, इसको हमने खोल दिया जी। ये दोनों इसकी प्लेटें हैं और ये इसमें रोटर है एक, और ये इसकी जो कोर है ये आप चैन वेंडिंग में हुई है कापर में, ये मुकम्मल तौर पे जो देखें हीट हुई है और शार्ट हुई है मोटर। तो इसको हम जो है रिमूव करके इसको आप रिवाइंड करेंगे। तो रिवाइंड करते हुए इसमें 32 और 34 या 32 28 का जो है कुलियाम लगाएंगे। इसको लगाने के बाद जो है रिवाइंड करेंगे, इसमें 7 नंबर पेपर इंस्टॉल होगा। ये जो आपके सामने है ये 7 नंबर पेपर इसमें इंस्टॉल होगा। ये इंस्टॉल करने के बाद जो है इसमें हम जो है सेट बना के, सेट बनाने के बाद जो है इसमें डालेंगे और इसको रिवाइंड करेंगे। रिवाइंड करने के बाद जो है इसके कनेक्शन लगाएंगे। इसमें जो ऑलराउंडर मशीन होती है इसको रिमूवेबल करती है, ये इसकी प्लास्टिक में लगाई गई है। तो इसको भी हम रिपेयर करेंगे क्योंकि ये जो पेडिस्टल फैन है ये बिल्कुल रिमूव नहीं करता, मूविंग नहीं करता, और इसकी जो मूविंग ग्रारी है ये इसके अंदर ये काम नहीं करती। तो इसको भी हम जो है क्लियर करेंगे। और जो हम इसके सेट बनाएंगे, सेट इस मशीन पे बनाएंगे, वो मशीन आपको हम दिखाते हैं। ये मशीन है, इसके ऊपर जो है हम सेट बनाएंगे। यहाँ पे इसके जो है हम फर्मा बांधेंगे, यहाँ पे फर्मे की गेज करके यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम इसके साथ सेट बना लेंगे और इसके ऊपर सेट बना के तो फिर जो है मोटर वाइंड करेंगे।